सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़ी सौगात देने वाले हैं। उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का भूमि पूजन करेंगे। चिकित्सा महाविद्यालय 550 बेड की क्षमता वाला होगा। मेडिकल कॉलेज में 150 मेडिकल छात्रों को चिकित्सा शिक्षा मिलेगी। अस्पताल में जनरल और सुपर स्पेशलिटी ओपीडी भी होगी। टॉवर चौक पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। तो ये सीएम के आज के कार्यक्रम रहेंगे। उज्जैन के दौरे पर वो पहुंचेंगे, जहां पर महाविद्यालय का भूमि पूजन करेंगे। तो बता दें कि खास महाविद्यालय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जो कि 550 बेड की क्षमता वाला होगा और मेडिकल कॉलेज में 150 मेडिकल छात्रों को चिकित्सा शिक्षा मिलेगी। अस्पताल में जनरल और सुपर स्पेशलिटी ओपीडी भी होगी। टॉवर चौक पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का भी सीएम अनावरण करेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन के दौरे पर रहेंगे, भूमि पूजन करेंगे। बता दें कि ये खास महाविद्यालय जो कि 550 बेड का होगा। ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आज एक और बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। उज्जैन दौरे पर जब वो पहुंचेंगे तो इस महाविद्यालय का भूमि पूजन करेंगे। बिल्कुल, उज्जैन को एक बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देने वाले हैं। हालांकि इससे पहले आज वो इंदौर पहुंचेंगे और इंदौर में एक यूनिवर्सिटी है उसके 6वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री उज्जैन पहुंचेंगे। उज्जैन में जो है मेडिसिटी और जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, उसका भूमि पूजन करने का काम करेंगे। ये पहली बार है जब उज्जैन में जो है मेडिकल के क्षेत्र में इतनी बड़ी सौगात जो है उज्जैन के लोगों को मिलने वाली है। और इससे कहीं ना कहीं उज्जैन ही नहीं बल्कि उज्जैन संभाग में आने वाले दूसरे ज़िले, उन्हें भी सीधे तौर पर फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो राजधानी भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल, लेकिन अब उज्जैन में भी जो सुविधा है, चिकित्सक सुविधा है, वो कहीं ना कहीं अब आम जनता को, उज्जैन की जनता को, उज्जैन संभाग की जनता को मिलने वाली है। क्योंकि इस जो मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसको एक व्यापक रूप दिया जा रहा है। यानी इसे बड़े स्तर पर इसे बनाने का काम जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा। आज भूमि पूजन होगा, 550 बेड का ये क्षमता वाला हॉस्पिटल होगा। इसके अलावा तमाम जो हाईटेक जो मशीनें हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। यानी हर तरीके का इलाज जो है इस अस्पताल में उपलब्ध रहेगा। और साथ में 150 जो मेडिकल छात्र हैं, यानी इस कॉलेज के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर 150 जो हैं वो सीटें रहेगी मेडिकल की। साथ में क्योंकि सुपर स्पेशलिस्ट ये हॉस्पिटल रहने वाला है, इसमें तमाम सुविधाएं, चिकित्सक सुविधाएं जो हैं वो आम जनता को मिलेगी, जिसमें जो है डायग्नोस्टिक रहेगा, फार्मेसी, इसके अलावा रिसर्च से लेके पैरामेडिकल कॉलेज रहेगा। यानी पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है इस कॉलेज को लेके, वो सर्व सुविधा से युक्त रहेगा। यही सरकार की कोशिश भी थी और अब इसकी शुरुआत उज्जैन से जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भूमि पूजन के साथ करेंगे। एक तय समय में जो है इसे बनाने का काम किया जाएगा। इसके बाद, इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होने के बाद, उज्जैन की जनता को सबसे बड़ी अब तक की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसका अनावरण यहाँ पर करेंगे। तो आज उनका उज्जैन और इंदौर का जो दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और उज्जैन की जनता के लिए आज बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देंगे। बिल्कुल, और लगातार नजर बनाए रखिएगा मनोज, बने रहिएगा आप हमारे साथ और भी खबरों पर हम आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे।